हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मैं अनीता अपने चैनल गृहवाटिका में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर रोज़ के प्लांट से। कितने खूबसूरत रोज़ के प्लांट हैं, देखिए ये लोग, ये गाजरी कलर के हैं और कितने बड़े साइज़ के हैं, बहुत खूबसूरत कलर हैं। इसमें भी थे अभी अभी, देखिए ये निकल गया है, टूट गया है, तो मैंने इसे कट कर दिया है। और यहाँ देखिए डबल शेडेड वाले येल्लो, और इधर देखिए ये फ्लावर, इधर देखिए दोस्तों गुलदाउदी के प्लांट है। ये हाइब्रिड वैरायटी तो नहीं है, मैंने इसे कटिंग से लगाया था। बहुत खूबसूरत अभी इसमें बर्ड्स बने हुए हैं बहुत सारे इसमें। और देखिए जब ये फ्लावरिंग होता है तो डहेलिया जैसा इसमें होता है, बड़ा बड़ा सा। तो और देखिए ये मेरी तितली भी आ गई, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। तो देखिए मैं इसको बना रही हूँ और ये मेरे साथ ही है। तो जब मैं इसको वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, तो मुझे इसके साथ ही रहने का मन करता है, इसे हटने का मन ही नहीं करता है। तो कब तक मैं इसके साथ रहूँगी, ये हटती भी नहीं है। तो चलिए देखिए मैं इसको दिखाती हूँ। और इधर देखिए दोस्तों, देखिए मैं अभी हट भी गई हूँ, अभी यहाँ हूँ, कोई फ़र्क नहीं इसको पड़ता है कि हम हैं या नहीं। इसे देखिए, तो इधर दिखाती हूँ दोस्तों, इधर भी गुलदाउदी है। देखिए ये देखिए गुलदाउदी, और ये मैंने देखिए ये कटिंग से लगाया था ये भी। और इधर बटन रोज, और इधर सफ़ेद वाली गुलदाउदी, और ये जितने भी सारी गुलदाउदी हैं मेरे दोस्तों, सब अलग अलग वैरायटी के हैं। देखिए कोई भी एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग वैरायटी के हैं गुलदाउदी मेरे। आ जा, तू भी आ जा, तेरा भी वीडियो मैं डालती हूँ, मैं अक्सर डाल दूँगी। तो और इधर लिलियम दोस्तों, देखिए लिलियम, इधर भी गुलदाउदी, और इधर कलांचो, ये हाइब्रिड वैरायटी के कलांचो है। और ये देंथस। तो दोस्तों चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि मैरीगोल्ड की केयर हम कैसे करें और ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग दे। तो देखिए ये मैंने सभी छोटे छोटे पॉट्स में लगाए हैं, देखिए कितने, सभी 8 इंच के, 6 इंच के ऐसे पॉट्स हैं, कोई बड़ा पॉट्स नहीं है दोस्तों सभी। और सभी की साइज देखिए, ये हजारिया गेंदे का फूल है, और इधर देखिए ये येलो कलर, ये दूसरे कलर का है दोस्तों, ये दूसरे कलर का है, ये हजारिया कलर। और ये देखिए कितना बड़ा साइज हो रहा है। तो दोस्तों इसके केयर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसे धूप में, इसे पूरी धूप में रखना ज़रूरी होता है। अगर पूरा सनलाइट इसे नहीं देंगे तो ये फ्लावरिंग भी नहीं देगा और इसमें फंगस भी लग जाएंगे। तो देखिए मेरे कितने छोटे छोटे से प्लांट हैं और कितने सारे इसमें फ्लावरिंग ले रखे हैं, तो सभी मैंने कटिंग से लगाए हैं दोस्तों। देखिए जितने भी मैंने फ्लावर लिए हैं वो सभी मैंने कटिंग से लगाए हैं। और उधर देखिए, उधर मैंने लगाई हैं तो वो मैंने नर्सरी से लाई हुई थी, तो वो बड़ा बड़ा सा प्लांट है, वहाँ मैं लगाई हूँ। और ये जितने भी मेरे ये सारे प्लांट हैं वो सभी मैंने कटिंग से लगाए हैं। तो आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से ला के भी आप इसे लगा सकते हैं। 5 या 10 रुपये में आप ला सकते हैं नर्सरी से, तो 5 रुपये में या 10 रुपये में बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं शुरू में जब ये प्लांट होता है। और अभी भी आप चाहे तो इसमें कटिंग से इसकी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसकी बहुत सारी अभी कटिंग लगाई हुई है, और देखिए यहाँ पे से मैंने पिंचिंग कर देती हूँ कि ताकि ये हमारा ब्रांच और निकले इसमें से और हमारा प्लांट घना हो जाए। तो देखिए सभी में मैंने पिंचिंग कर दी है, इसमें देखिए अभी एक ब्रांच निकल रहा है। तो आप यहाँ से, जैसे ये ब्रांच निकल रहा है तो यहाँ से आप पिंचिंग कर देंगे तो यहाँ से आपको नए ब्रांच निकल जाएंगे। और इधर देखिए ये हजारिया गेंदे का फूल है, इधर भी है, और बहुत सारे कटिंग से मैंने लगा रखे हैं। तो दोस्तों जब मिट्टी इसकी पूरी सूख जाती है तब मैं इसमें पानी देती हूँ। देखिए ये हमारी मिट्टी अभी पानी देने लायक हो गई है, कोई कोई अभी नहीं देने लायक हुई है। देखिए इसमें हजारिया गुलदाउदी गेंदे में ये अभी गीला मिट्टी है, और इधर, तो इस तरह जब पूरी मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी देंगे हम। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों इसमें मैं कभी 15 दिन में कभी लिक्विड खाद दे देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ,
जैसे ऑनियन पील्स हुआ, बनाना पील्स हुआ या ऑरेंज पील्स हुआ, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं हर 15 दिन या 1 सप्ताह के अंदर देती रहती हूँ। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों, कभी जैविक खाद भी दे देती हूँ या घर की बनी हुई खाद भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और कभी कभी पोटाश भी डाल देती हूँ। तो आप 15-20 दिन पर या 1 महीने में इसे खाद देते रहिए तो बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ करता है। और देखिए, इसमें हमेशा फ्लावरिंग, अभी आपको फरवरी मार्च तक इसमें बहुत बड़े बड़े से फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो मैंने तो बहुत सारे अभी फिर कटिंग लगा ली हैं, और जरूरत पड़ेगा तो अभी और मार्केट से मैं लाऊंगी नर्सरी से, लेकिन अभी नर्सरी में पौधे बहुत महंगे हो गए हैं तो मैं सभी को कटिंग से ही लगा ली हूँ। और देखिए, इधर देसी वैरायटी की जो मैंने गेंदे के लगाई हैं वो भी कितने सारे बड्स बने हुए हैं, और बहुत सारे और छोटे से पॉट्स में, देखिए प्लास्टिक के एक ऑयल कंटेनर में है, इसमें मैंने लगाया है और कितने सारे बड्स बने हुए हैं। और इधर देखिए दोस्तों, इसमें मैं, ये देखिए, ये हमारा प्लांट के ये फ्लावर ख़राब हो रहा है, नहीं ये होगा तो इसको हम इससे निकाल देंगे। तो दोस्तों, इसकी आप इसकी केयर में पूरी सनलाइट में रखें, पूरा इसे सूखने के बाद पानी दें, और फर्टिलाइज़र में आप जैविक खाद दे सकते हैं, गोबर की खाद भी दे सकते हैं, और देखिए यूरिया थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, पोटाश भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी एक खाद देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप हर 15 दिन पर इसे देते रहे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो देखिए, इस तरह ये मेरे सारे मैरीगोल्ड प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें, और दोस्तों नए वर्ष में आप सब लोग मंगलमय रहें। बाय दोस्तों, टेक केयर।